अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे ये मज़ेदार से सूजी के हलवे की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बनने वाला है बाज़ार के जैसा सॉफ्ट सा, मुलायम सा, डिलीशियस सा, जूसी सा, टेम्पटिंग सा। सो ये हलवाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हलवाई बनाते हैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो है आप लोगों के लाइक से मिलती है मोटिवेशन और मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों के लिए बनाने का दिल करता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग मी एंड कीप मैसेजिंग मी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हलवाई स्टाइल में बनाएंगे हम। तो यहाँ लिया है मैंने एक वेसल, और वेसल के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट ऑयल ऐड किया है, और इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने सूजी डाल दिया है। सूजी को डाल के मैंने अच्छे से भूनना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा कार्डिमन पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मैंने येलो ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है, जिससे कि हलवे का कलर बहुत ही कोई शानदार होने वाला है। हमने इन तमाम चीज़ों की भुनाई एटलीस्ट 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। जब सूजी अच्छे से भीग जाए फ्रेंड्स, तो जितना हमने सूजी लिया था उसका डबल हम पानी डालेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने पानी ऐड किया इसके अंदर, और सूजी को, और पानी फ्रेंड्स गर्म पानी यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, और मुस्तकिल स्टियर करते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना आए, गाँठे ना बने। तो मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। साथ में मैंने यूज़ किया है 1 कप मैंने सूजी ली थी, तो 1/3 कप मैंने शुगर ऐड किया, और इसको मैं डालने के बाद अच्छे से स्टेयर कर रही हूँ। साथ में ही मैंने ऐड किया है इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा। अब देखिए, हलवाई स्टाइल की ये ट्रिक होती है कि जब ये भून रहे होते हैं ना सूजी को, तो वो थोड़े ऑयल में भूनते हैं, देन जब सूजी सॉफ्ट हो जाती है, वो पानी एब्जॉर्व कर लेती है, तो उसके बाद से हमने ऑयल को पोर करते जाना है और इसको अच्छे से स्टेयर करते जाना है। इस तरह से फ्रेंड्स बनाएंगे तो आपको ऑयल की क्वांटिटी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, वरना सूजी वगैरह में जो है जब हम बनाते हैं हलवा उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता, मगर बाद में जो है लगता है कि ड्राई हो रहा है। सो आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपका ये हलवा जैसे हलवा पूरी वालों के साथ, हलवा पूरी के साथ जो हलवा मिलता है ना सॉफ्ट सा और बिल्कुल जूसी सा, तो वही हलवे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। देख लें कि कितना ही जूसी सा बना है ये हलवा, क्या आपने बनाया है कभी ऐसा मज़ेदार सा, जो है टेम्पटिंग सा, डिलीशियस सा, हलवाई वाला, हलवाई स्टाइल का, हलवाई की रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी बनाई है। अगर बनाई है तो कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि वीडियो आगे रिकमेंडेशन में जाए, और आप लोग की मोटिवेशन से मिलती है हमें बेहतरीन सी मोटिवेशन, मज़ीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है। तो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। सो अफशा फूड्स आपके लिए बेहतरीन से बजट फ्रेंडली फूड्स लेकर आती हैं, तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगने वाली है। सो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेसिपीज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ बजट फ्रेंडली लेके आती रहूँगी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।